हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपन पढ़ रहे थे जनसंख्या का वितरण घनत्व और वृद्धि। जनसंख्या वितरण घनत्व पढ़ लिया था, वृद्धि पढ़ रहे थे। जनसंख्या की वृद्धि बता दिया था मैंने तुम्हें कि जनसंख्या वृद्धि उसे कहते हैं जो दशकीय अंतर होता है ना, जैसे अपने यहाँ 10 साल में जनगणना होती है, उसका जो अंतर होता है वही वृद्धि जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। अब जनसंख्या वृद्धि अपन ने पढ़ ली थी, कौन कौन से कालक्रम में कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई है यह इनके कालक्रम में पढ़ लिए थे। अब है जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या क्या है, जनसंख्या वृद्धि के कारण, वृद्धि के कारण। अब ये देखो जिस प्रकार से वितरण और घनत्व जनसंख्या बढ़ने के कारण है, इसी प्रकार से जनसंख्या वृद्धि के भी कारण है। अभी कारण कौन कौन से हैं, जैसे जनसंख्या वृद्धि हो क्यों रही है। पहले प्राचीन काल में अपन ने जैसे कालक्रम में इसका जनसंख्या वृद्धि का पढ़ा था, अपन ने देखा मध्य काल तक जनसंख्या में वृद्धि अत्यधिक नहीं थी, यह 1650 के बाद ही तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ी है, अपन ने पढ़ा था ना कल आधुनिक काल तक। अब जनसंख्या की वृद्धि में देखो इसके कारण क्या क्या है, यह मैंने कल भी बता दिए थे कि जनसंख्या की वृद्धि धीरे धीरे हो रही है। प्राचीन प्रागैतिहासिक काल से अपन ने 4 कालक्रम कल पढ़े थे, उनमें भी बताया था प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल और मध्य काल तक सीमित वृद्धि थी, ज्यादा अत्यधिक वृद्धि नहीं थी। उसके कारण क्या क्या है अब ये पढ़ेंगे अपन। उसके बाद तीव्र गति से बढ़ी है जनसंख्या आधुनिक काल 1650 के बाद में, अपन ने कल भी पढ़ा था। उसके बाद तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ी है, इसके कारण क्या है, क्योंकि अब जितना विकास किया है मानव ने उससे जनसंख्या वृद्धि अत्यधिक बढ़ती जा रही है। जैसे मृत्यु दर में गिरावट हुई है, पहले महामारियां होती थी उनका इलाज नहीं था, वैज्ञानिकीकरण हो गए ना, जैसे दवाइयां खोज ली हर चीज की, तो उनसे लोगों की मृत्यु दर में कमी आई है और जन्म दर बढ़ी है। तो स्वाभाविक है कि जन्म दर बढ़ेगी, मृत्यु दर में कमी आएगी तो जनसंख्या में वृद्धि होगी। इसी प्रकार खाद्यान्नों की आपूर्ति हो रही है, संसाधनों का अत्यधिक उपयोग हो रहा है, वैज्ञानिकरण से अत्यधिक सुविधाओं का लाभ मिल रहा है, तो यह जनसंख्या वृद्धि के ये कारण है। अब अपन एक एक करके पढ़ेंगे इनको कि कौन कौन से कारण हैं। पहला है मृत्यु दर में गिरावट, अब मृत्यु दर में गिरावट किस प्रकार से होती है कि मैंने तुम्हें अभी बताया कि मानव धीरे धीरे विकास कर रहा है, आधुनिक काल में विकास की गति भी अत्यधिक थी, इसीलिए तो जनसंख्या में वृद्धि हुई है। तो जनसंख्या में वृद्धि हुई है वो क्यों हुई है कि मृत्यु दर में गिरावट, मृत्यु दर अगर जन्म दर और मृत्यु दर बराबर होंगी तो जनसंख्या वृद्धि नहीं होगी, लेकिन अगर जन्म दर तो बढ़ा दी इन्होंने क्योंकि दवाइयाँ ये आ गई हैं। तो पहले क्या होता था, जैसे आपने सुना भी होगा प्राचीन काल में भी अपने दादा परदादा से कि जैसे महामारियाँ होती थी, चेचक हो गया, टीबी हो गई या प्लेग हो गया, कोई भी महामारी होती थी उससे हजारों लाखों की संख्या में लोग एक साथ मरते थे, लेकिन अब उन चीज़ों का इलाज हो गया क्योंकि आधुनिक युग है, इसमें विज्ञान का काफ़ी विकास हुआ है, तो इसमें अलग अलग दवाइयों की खोज हुई है, अलग अलग इलाज हैं जो उनकी खोज हुई है, अलग अलग सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं, तो मृत्यु दर में तो गिरावट आ गई, जन्म दर में बढ़ोतरी होगी, इसलिए जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, ठीक है। और दूसरा है खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति, दूसरा खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति। अब निश्चित आपूर्ति
शक्ति से क्या मतलब है? देखो पहले लोग, क्योंकि मैंने बताया सीमित संसाधन थे, सीमित संसाधनों का उपयोग, संसाधन तो थे लेकिन उनका उपयोग करना मनुष्य को नहीं आता था। तो जितने जैसे पहले लोग भूख से मर जाते थे, अपने प्राचीन काल में या प्रागैतिहासिक काल में पढ़ा था ना कल भी, कि उनका काम क्या था, सिर्फ और सिर्फ भोजन की तलाश करना, आखेट और शिकार, बस यही था, आखेट करना और भोजन प्राप्त करना, उनका यही था। धीरे धीरे उन्होंने कृषि का विकास किया, उद्योगों का विकास किया, इससे उनके खाद्य कृषि में अब उन्नत किस्में अपन यूज करते हैं, उपयोग में करते हैं, तो देखो पैदावार अधिक होती है। अब कीटनाशकों का प्रयोग करके जो उनमें कीड़े वीड़े लगते हैं या जो बीमारी हो जाती है उसका इलाज हो जाता है, तो खाद्य पदार्थों की आपूर्ति भी होने लग गई, इससे भी जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है या वृद्धि हुई है। क्योंकि पहले तो लोग भूख से ही मर जाते थे, लेकिन अब उनको निश्चित रूप से ये है, जैसे अपनी सरकार भी देखो कार्यक्रम चलाती है ना कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए, तो उनके लिए जैसे गरीब हैं उनके लिए ये कोटे से सरकार खुद सस्ते में अनाज देती है, दाल देती है, तेल पानी जो भी खाद्य पदार्थ हैं वो उनकी आपूर्ति करती है। तो पहले ऐसा नहीं था, जिससे जनसंख्या में ये मृत्यु दर अधिक थी, तो जनसंख्या की वृद्धि भी होती थी। अब तीसरा पॉइंट है औद्योगिकरण या औद्योगिक विकास, औद्योगिक विकास। अब इससे किस प्रकार से जनसंख्या प्रभावित होती है? इससे इस प्रकार से होती है कि उद्योगों का अधिक से अधिक विकास हो रहा है, जिससे इनकी उद्योगों में ही तो जैसे खाद्य पदार्थ बनते हैं, उनके मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति उद्योगों के द्वारा की जाती है। तो और दूसरा, लोगों को रोजगार उपलब्ध होता है उद्योगों के द्वारा, क्योंकि जितने ज्यादा उद्योग विकसित होंगे उतने ही लोग बेरोजगारी से बचेंगे या उनको रोजगार उपलब्ध होगा। तो इसलिए औद्योगिक विकास होने से भी यह भी एक कारण है कि जनसंख्या में वृद्धि हुई है। ठीक है, और चौथा पॉइंट है इसमें देखो वैज्ञानिक या प्राविधिक प्रगति, वैज्ञानिक प्रगति, यह अपन ने अभी पढ़ा था वैज्ञानिक प्रगति। वैज्ञानिक प्रगति से क्या मतलब है? अब विज्ञान का मैंने अभी बताया, विज्ञान का धीरे धीरे विकास हो रहा है, अलग अलग जितनी सुविधाएं हो रही हैं, तो लोग पहले जैसे भूखमरी से मरते थे, महामारी से मरते थे, उनको सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती थी, उद्योगों का विकास नहीं था, तो उनको रोजगार उपलब्ध नहीं था। तो अब वैज्ञानिक प्रगति हो रही है धीरे धीरे, अलग अलग नई नई चीजें हो रही हैं, तो उससे मनुष्य की दिनचर्या आसान हो गई। जैसे पहले प्राचीन काल में अपन ने पढ़ा था कि ये आवागमन के साधन नहीं थे, लेकिन आजकल देखो 2 घंटे में तो आदमी बेंगलोर पहुंच जाता है, ठीक है ना। तो ये विज्ञान का ही तो विकास है कि इस प्रकार के संसाधन उपलब्ध करवा रखे हैं अपन को कि सब चीजें आसान कर दी हैं, तो इससे भी जनसंख्या की वृद्धि पर प्रभाव पड़ा है, जनसंख्या में वृद्धि हुई है। अब अगला पॉइंट है आपका देखो इसमें शांति और सुरक्षा, पांचवा पॉइंट है शांति और सुरक्षा। अब ये शांति और सुरक्षा किस प्रकार से प्रभावित करती है जनसंख्या को? देखो इसमें ये है कि पहले महायुद्ध होते थे आपस में, अब पहले इतनी समझ नहीं थी, मानव का भी बुद्धि का इतना विकास नहीं था। अब क्या करते हैं लोग, जैसे देशों के बीच पहले राजतंत्र था, आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि राजतंत्र में क्या होता था कि जो राजा ने कानून बना दिया ना वही सबको पालन करना पड़ेगा, चाहे उसको पता है या सही है या गलत है, नहीं वो पैतृक राजा बनता था। लेकिन अब जनता खुद चुनती है अपना शासक जो चुनती है वो, और अगर उसको उसका काम पसंद नहीं आया तो वो उसको हटा भी सकती है, ठीक है।
तो इससे क्या हो गया, फिर दूसरे देशों की, जैसे एक देश शक्तिशाली होता था या राजा उसका शक्तिशाली होता था, उसके पास अत्यधिक वो होती थी सेना बल होता था, तो उसमें वो युद्ध कर करके चाहे कितने भी सेना मर जाए लेकिन उस क्षेत्र को प्राप्त कर लेता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब अपन ने पढ़ा ना वैज्ञानिक प्रगति हो रही है, विज्ञान का विकास हो रहा है, सभी देश आपसे समझौता करके कोई भी चीज पर वार्ता शांति से करते हैं, बैठकर उनका समाधान निकालते हैं, ना कि युद्ध करके, क्योंकि युद्ध में जान और माल की हानि होती है। तो शांति और सुरक्षा से भी जनसंख्या में वृद्धि हुई है। अब अगला है 6 नंबर है प्रवास। प्रवास से क्या समझते हो, एक जगह से दूसरी जगह जाकर बस जाना। अब इसमें क्या है कि पहले भी ये प्राचीन काल से चला रहा है, जैसे प्राचीन काल के अंत में ये चीजें दूसरे क्षेत्रों में लोगों ने निकलना प्रारंभ कर दिया था। लेकिन अब क्या करते हैं, जैसे गांव के लोग हैं वो शहरों की ओर आकर्षित क्यों हो रहे हैं, क्योंकि उनको वहां रोजगार उपलब्ध होता है, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। तो इससे भी जनसंख्या में, अब शहरों की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। अब जैसे महानगर है जितने भी, अपना दिल्ली है, मुंबई है, ये चेन्नई है, कोलकाता है, अपने यहाँ जयपुर है, ये जो महानगर है इनकी जनसंख्या देखो अत्यधिक तीव्र गति से बढ़ रही है। तो ये मुख्य कारण इसका क्या है, प्रवास, कि एक जगह से पलायन करते हैं लोग, रोजगार की तलाश में शहरों में जाकर बस जाते हैं, तो वहां की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। इसके अलावा भी आप, जैसे ये तो आपके रूप में देखते हैं, इसके अलावा भी आप अलग अलग और भी पॉइंट जैसे बना सकते हो कि जैसे चिकित्सा सुविधाओं की आपूर्ति, खाद्य पदार्थों की आपूर्ति तो अपन ने बढ़ लिया है, और शिक्षा का अत्यधिक विकास, ये वैज्ञानिक प्रगति में ही आ जाएगा, शिक्षा का विकास, मूलभूत सुविधाओं का विकास, ठीक है। तो इस प्रकार की जनसंख्या वृद्धि के ये कारण है कि इनके कारण जनसंख्या में अत्यधिक तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। अब इनको आपको डिटेल से याद करना है, क्योंकि ये मुख्यतः पूछे जाते हैं, छोटे क्वेश्चन या बड़ा क्वेश्चन पूछेंगे तो इनका जोड़ के पूछ लेते हैं, जैसे जनसंख्या वृद्धि के कारण और उसके समाधान, या छोटे क्वेश्चन में जनसंख्या वृद्धि के कारण की, जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको लेसन पूरा पढ़ना है, पूरा याद करना। अब इसके आगे देखो, आप जनसंख्या वृद्धि महाद्वीपों के संदर्भ में पढ़ेंगे अब अपन, कि कौन कौन से महाद्वीपों में कौन ज्यादा जनसंख्या में वृद्धि हुई है, ठीक है। ये तो कारण पढ़ लिया अपन, अब जनसंख्या वृद्धि महाद्वीपों के अनुसार पढ़ेंगे। इसमें देखो धीरे धीरे कुछ, अब मैंने तुम्हें पहले भी बताया था अपन जनसंख्या का लेसन जब से पढ़ रहे हैं, मैंने वितरण में भी बताया था, ये गंधर्व में बताया था, और ये वृद्धि में भी होगा, क्योंकि जनसंख्या का वितरण है, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। फिर जनसंख्या पूरी पृथ्वी पर समान रूप से वितरित नहीं है, क्यों, क्योंकि वहाँ का भौगोलिक क्षेत्र इस प्रकार से है, 70% अपन ने पहले भी पढ़ा था, 70% उत्तराखंड का जो भूभाग है वो निर्जन है, समझ गया ना, वहां पर जनसंख्या नहीं रहती है, और 30% जो स्थानीय भाग है ना, इससे जनसंख्या 70% रहती है, ठीक है। तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर जनसंख्या ना के बराबर है, जैसे आपने महाद्वीपों के अनुसार देखे, सबसे अधिक जनसंख्या कौन से महाद्वीप में, आपने वितरण में पढ़ा था ना, एशिया महाद्वीप, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो अनुकूल है, यहाँ पर जनसंख्या अत्यधिक बढ़ रही है, और कुछ जैसे अंटार्कटिका, आर्कटिक, ये हैं, तो इनपे ना के अंटार्कटिका महाद्वीप है, इसपे ना के बराबर, एक आपने पढ़ा था ना 0.04% से भी, एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम का लगता है, ठीक है, और जनसंख्या भी बहुत ही विरल है। अब अपन ने जैसे अब जनसंख्या वितरण और घनत्व पढ़ा था कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है, पहाड़ी क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है, तो अपन महाद्वीपों के संदर्भ में देखेंगे कि कौन कौन से महाद्वीपों में
जनसंख्या वृद्धि हुई है और कौन कौन से महाद्वीपों में कम जनसंख्या वृद्धि हुई है। अब देखो इसमें ये भी रखा है 1650 से 1750 तक एशिया और यूरोप में साधारण वृद्धि हुई थी और अफ्रीका में जनसंख्या घट गई थी। तब तक उत्तरी तथा दक्षिणी अफ्रीका में बहुत अल्प जनसंख्या थी। अब भी हमने जनसंख्या वितरण में भी पढ़ा था कि जनसंख्या की वृद्धि उन महाद्वीपों में जो विकसित महाद्वीप है जैसे यूरोप है उत्तरी अमेरिका है इनमें जनसंख्या कम पाई जाती है। तो इनमें वितरण भी कम पाया जाता है घनत्व भी कम पाया जाता है। घनत्व तो फिर भी अधिक पाया जाता है जैसे अमेरिका में इनमें अपने आप पढ़ा था लेकिन वृद्धि भी उनमें कम है क्योंकि उन्होंने सब चीज़ों का इतना डेवलपमेंट कर लिया है इतना विकास कर लिया है कि जनसंख्या पर नियंत्रण उन्होंने कर लिया है। ठीक है अब 1750 से 1900 तक सभी महाद्वीपों में जनसंख्या की वृद्धि हुई है परंतु अत्यधिक वृद्धि एशिया यूरोप और उत्तरी अमेरिका में हुई। अब मैंने कल भी तुम्हें बताया था कि 1650 से 1750 के बीच में जनसंख्या में वृद्धि कमी भी हुई यह 1800 के बाद या 1900 के बाद ही तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि हुई। ठीक है अब इसमें बताया है 1750 से 1900 के बीच में जो ये महाद्वीप बता रखे हैं एशिया महाद्वीप है यूरोप और उत्तरी अफ्रीका में अधिक वृद्धि हुई थी। एशिया यूरोप और उत्तरी अमेरिका यही अधिक घने बसे हुए देश है सॉरी देश नहीं महाद्वीप। ठीक है एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है ये तो पहले भी पढ़ा था मैंने। तो इसी प्रकार से धीरे धीरे इसमें 1900 के बाद तीव्र गति से वृद्धि हुई है जनसंख्या में 1900 के बाद लगभग सभी महाद्वीपों में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। और यदि आप इसका रिजल्ट जैसे देख ही रहे हो कि एशिया महाद्वीप में अब 700 अपन ने पढ़ा था पूरे विश्व की 2013 के अनुसार कितनी है विश्व की जनसंख्या 714 करोड़। ठीक है या फिर तीव्र गति से वृद्धि हुई लगभग फिर तो जैसे 100 साल में डेढ़ एक तो ये दुगनी हुई थी फिर 50 साल में दुगनी हुई फिर 20 साल में आगे चल के ये 20-25 साल में ही दुगनी और अगर ऐसी स्थिति आ रही है कि 10 साल में ही लगभग डेढ़ गुनी जनसंख्या बढ़ रही है तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। ठीक है अब जनसंख्या वृद्धि के अपन ने कारण बढ़ रही है और कौन कौन से महाद्वीपों में इसके वितरण जनसंख्या में अत्यधिक वो हो रहा है वितरण है जनसंख्या की वृद्धि अधिक है या कम है। अब इसके जनसंख्या के कारण अपन ने पढ़ लिए हैं जनसंख्या वृद्धि के कारण। ठीक है अब इसके समाधान क्या क्या हो सकते हैं यह अपन कल पढ़ेंगे। समस्या है यह और इसके समाधान क्या क्या हो सकते हैं यह कल